अगर अपने जायके में थोड़ा सा चेंज चाहिए तो ट्राई कीजिए चिकन वाइट कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ़ाज़ा काशी व्लॉग। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने पैन में लेंगे तकरीबन 1.5 कप ऑयल। उसमें हम डालेंगे कुछ गर्म मसाले जिनमें हमने लिए हैं बे लीव्स, तेज़पत्ता, अदरक तकरीबन 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 हमने हरी इलायची और 1 जो है काली बड़ी इलायची ली है कूट के। अब इनको हम हल्का सा इसमें तेल में फ्राई करेंगे। जब ये कड़कड़ा जाएंगे तो फिर हम इसमें अपना लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है, जिसमें तकरीबन हमने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। इनकी तेज़ी पर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा तेज़ हैं तो आप 3 से 4 लीजिए। और अदरक और लहसुन के साथ हम उसको पीस के रख लेंगे। उसको हम तेल में तकरीबन 10 से 15 सेकंड फ्राई करेंगे। उसके बाद हम अपना तकरीबन 1 kg चिकन इसमें डाल के फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए और वो सफ़ेद हो जाए। हमें इसे अभी गोल्डन नहीं करना, ना ही इसका कलर ब्राउन करना है, बस हमने इसका कलर वाइट करना है कि जो हल्की सी इसमें से जो मछैंद है वो ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक के साथ ये थोड़ा सा भुन जाए। अब इसमें हम अपने जायके के हिसाब से नमक डालेंगे। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया है। नमक इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो ऑलरेडी मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, तकरीबन 5 प्याज दरमियानी प्याज को मैंने पीस के, अच्छा उसको प्याज को मैंने पहले काट के मोटा मोटा काट के ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया था, यहाँ तक कि वो उनका कलर चेंज हो गया था और वो ट्रांसलूसेंट हो गई थी, और उनका पेस्ट बना के मैंने इसमें शामिल कर लिया है। इधर हमारी प्याज के साथ चिकन पक रहा है। हमने लिया है 1 कप दही, उसमें 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तकरीबन हमारे पास ज़ीरा पाउडर, और इसमें हम शामिल करेंगे कुटा हुआ ज़रा सा थोड़ा सा मोटा ग्राइंड हुआ हुआ धनिया, वो शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें, और गरम मसाला, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें गरम मसाला वैसे भी शामिल कर चुके हैं, तो 1/2 टीस्पून इसमें तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। इन तमाम अज्जा को दही के साथ मिक्स करके हम रख लेते हैं। जब हमारा चिकन और प्याज भुन जाएगा और तेल छोड़ देगा, इसको हमने खुला ही पकाना है, इसे ढकना नहीं है, क्योंकि हमें चिकन को प्याज के साथ गलाना नहीं है, हमने सिर्फ प्याज को फ्राई करना है। जब हमारा प्याज अपना तेल छोड़ देगा तो उसमें हम ये दही और ये मसाले शामिल करेंगे और फिर इसको मिक्स करके हम ढक के दही के पानी में हम अपना चिकन गलाएँगे। एक अच्छा सा स्टार दे के अब हम इसको ढक के दरमियानी आँच पर हम इसको पकाएंगे। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाना ना भूलिए, कहीं ये नीचे से लगना शुरू हो जाए। थोड़ी देर बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमारा चिकन गल चुका है और बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसकी आँच को बिल्कुल हल्का करके तकरीबन 100 ग्राम फीटी हुई जो हमारे पास डेरी क्रीम है, जो नॉर्मल पैकेट में आपको मिलती है, मलाई नहीं शामिल करनी इसमें, हमने क्रीम शामिल करनी है, वो फ्रेश क्रीम हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हमने आँच इसके बाद तेज़ नहीं करनी, वरना ना ही इसमें लीमू का रस मिलाना है। अगर आपको लीमू का रस मिलाना है तो आप बिल्कुल शुरू में मिला दीजिए, अब मिलाएंगे तो क्रीम फट जाएगी हमारी और इसका जो दही का जो हमारी जो हांडी का टेक्स्चर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हम कटा हुआ धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्चें और अदरक शामिल करके इसको हल्का सा दम पे रख देंगे ताकि इसके अंदर क्रीम का जो टेक्सचर है, क्रीम का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाइट कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही यमी होती है। इसके अंदर अपना टच देने के लिए मैं इसमें कोयले का धुआँ ज़रूर देती हूँ, इससे एक जो फ्लेवर है इसका और इन्हांस हो जाता है और ये और लजीज हो जाती है। इसको आप नान के साथ खाइए या घर में चपाती के साथ खाइए, ये आपको बहुत ही लुत्फ देगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाइट कढ़ाई बिल्कुल रेडी और बहुत ही यमी लग रही है। इसको हम एंजॉय करेंगे नान के साथ और आप ज़रूर इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।